ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो एक प्रोग्राम बनाया था उसमें 2 नंबर को हमने ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया था जो वहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। उसको हम लोग बोल रहे थे एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हम लोग ने यहाँ पे लिखा stdio.h, ठीक है। फिर डॉट उसके बाद हम लोग क्या लिखे, हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है, conio.h, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखे void main, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लिए, इंट ए, और हम लोग ए को इनिशलाइज कर लिए 9 से, ठीक है, कॉमा देके बी इक्वल टू 4। हम लोग एक लाइन में भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग अलग अलग लाइन में कल प्रोग्राम में बनाए थे, लेकिन हम लोग इसको एक लाइन पे भी कर सकते हैं अगर सबका डेटा टाइप सेम होगा तो। अगर अलग अलग डेटा टाइप है तो हम लोग को अलग अलग लाइन में ही लिखना पड़ेगा। अगर जितने भी वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं सभी के वेरिएबल के डेटा टाइप अगर सेम होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट है, इंट का मैंने ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, ठीक है, तो हम लोग एक ही लाइन में इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ए में मैंने 9 वैल्यू से इनिशलाइज कर लिया, बी को मैंने 4 वैल्यू से इनिशलाइज कर लिया, ठीक है। तो ए की वैल्यू अब 9 है, बी की वैल्यू अब 4 है, ठीक है, और दोनों में कुछ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसको हम लोग यूज करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर से, ठीक है। और हम लोग जो भी रिजल्ट आएगा वो वेरिएबल सी में हम लोग लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है एडिशन के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। वैल्यू ए प्लस बी करने से हम लोग को 13 मिलेगी, 13 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर हो जाएगा। अब ये सी में 13 है, इसको हम लोग को प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, और डबल कोट्स के अंदर हम लोग दे देंगे ए प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है। परसेंट डी हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का है, सी जो है इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर वैल्यू को हम लोग को सबसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे परसेंट डी लिखते हैं ताकि वो उस इंटीजर फॉर्मेट को सपोर्ट कर पाए कंसोल स्क्रीन पे, ठीक है। फिर हमने लिख लिया है स्लैश एन और डबल कोट्स क्लोज कर दिया, और कॉमा देखिए हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो सी की वैल्यू कहाँ प्रिंट हो जाएगी, जहां पे परसेंट डी लिखा होगा वहां पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एडिशन परफॉर्म कर दिया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे, सिमिलरली हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, ए माइनस बी 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 हम लोग कर लेंगे, तो 9 माइनस 4 करने से हम लोग को मिल जाएगा आउटपुट में 5, ठीक है। तो 5 आउटपुट में मिल जाएगा, और वो किस में स्टोर हो जाएगा, इस वेरिएबल सी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सेम वैसे ही कर रहे हैं, प्रिंटअप के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं हम लोग ए माइनस बी इक्वल टू परसेंट डी, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का, इसलिए परसेंट डी लिखेंगे, और यहाँ सी की वैल्यू हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी हम लोग यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। ए एस्ट्रिक बी, यहाँ पे स्टार का हम लोग सिंबॉल लगाए, स्टार मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किए, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। 36 वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, सी में स्टोर हो जाएगी, और हम लोग सेम वैसे ही यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। सी की वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, जहाँ परसेंट डी लिखा होगा वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, ए डिवाइड बाई बी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 4, ठीक है। 9 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को रिटर्न करके मिलेगा,
और यहाँ पे आएगा वैल्यू टू, और टू वैल्यू कहाँ प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे प्रिंट हो जाएगी क्योंकि सीव की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखाऊं तो हम लोग एक बार यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, ठीक है। 9 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 4 से। अगर मैं डिवीजन परफॉर्म कर रहा हूँ मीन्स ये वाला, ठीक है, 4 2 8, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। डिवीजन अगर परफॉर्म करेंगे तो ये क्वेश्चन रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर हम लोग मॉडुलस परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू 2 मिलेगी और यहाँ पे वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। 1 कहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, इस परसेंट डी के जगह पे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आउटपुट मैं क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। सबके सब यहाँ पे हम लोग रन करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू डिमोन्स्ट्रेट अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड कॉन io.h। फिर हम लोग लिखेंगे void main, ठीक है, और लास्ट में लिख लेंगे गेट सीच, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही तैयार कर लेते हैं ताकि हम लोग से कुछ चीज छूटे ना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा इंट ए, और ए को मैं यहीं पे 9 से इनिशलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ बी, बी को मैं 4 से इनिशलाइज कर लेता हूँ, जो अभी हमने सेम थ्योरी में देखा, सेम चीज हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और एक और वेरिएबल ले रहा हूँ सी, ठीक है। ए और बी जो है हमारे ऑपरेंड्स है, ठीक है। दोनों में हम लोग कुछ वैल्यूज ले लिए हैं, ए के अंदर हम लोग 9 ले लिए हैं, बी के अंदर हम लोग 4 ले लिए हैं, ठीक है। ए और बी में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा और रिजल्ट कहाँ पे हम लोग को मिलेगा, वेरिएबल सी पे मिलेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, SClR SCR। अब सबसे पहले हम लोग एडिशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी से हम लोग को कोई एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हम लोग को सी में स्टोर करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब सी में हम लोग को एडिशन करके मिल गया है, ठीक है, और हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ हम लोग कर लिए और यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट एफ हम लोग यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे डबल कोट्स हम लोग लगाएंगे। डबल कोट्स हम लोग लगाने के बाद यहाँ लिख लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू, जैसा हम लोग लिखेंगे वैसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखे परसेंट डी, ठीक है। हम लोग एक एक थोड़ा थोड़ा स्पेस दे देते हैं सब में ताकि हम लोग का आउटपुट थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। और यहाँ स्लैश एन हम लोग लगाएंगे न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे सी, ठीक है, ताकि हम लोग आउटपुट जो है न्यू न्यू लाइन पे हम लोग देखते रहें, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एडिशन परफॉर्म किए हैं, ए प्लस बी मतलब होता है एडिशन, ठीक है। हम लोग जोड़ दिए हैं यहाँ पे दो वैल्यूज को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे, ठीक है, डबल कोट्स हम लगाएंगे और यहाँ थोड़ा स्पेस देंगे, ए माइनस बी इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, परसेंट डी हम लोग लिखे, ठीक
कि इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ दे देंगे सी। तो यहाँ पे सब में हम लोग सेम कर लेंगे, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ सी इक्वल टू। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे एस्ट्रिक होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एस्ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किए, ठीक है, और ऊपर वाले में हम लोग क्या किए थे, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किए थे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेंगे प्रिंट एफ। ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू परसेंट टी और स्लैश एन, और कॉमा देके हम लोग क्या कर लेंगे, वैल्यू सी प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, सी की वैल्यू कहाँ पे प्रिंट होगी, जहाँ पे परसेंट डी लिखा हुआ है वहाँ पे प्रिंट होगी। अब उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिवीजन परफॉर्म करें, डिवीजन, ठीक है, और क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स क्वेश्चन, QUOTIENT क्वेश्चन, ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, क्वेश्चन रिटर्न करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग प्रिंट एफ और डबल कोट्स, ठीक है, ए डिवाइड बाय बी इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ लिख लेंगे स्लैश एन, कॉमा देके हम लोग लिखेंगे सी, ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू ए मॉड बी, ठीक है, ए मॉड बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न्स रिमाइंडर, ठीक है, और हम लोग यहाँ प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, और डबल कोट्स यहाँ पे हम लोग लगाएंगे और लिख लेंगे ए मॉड बी इक्वल टू परसेंट डी स्लैश एन, और कॉमा देके यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग सी। तो यहाँ पे हम लोग ने सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब हम लोग सबसे पहले इसको कर लेंगे सेव, फाइल में जाएंगे सेव करेंगे, और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, arith.c मैंने किया, इसको सेव कर दिया, ठीक है, फिर इसको करेंगे कंपाइल, कोई भी एरर नहीं आया है, और यहाँ पे कर देंगे रन, तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का आउटपुट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ए प्लस बी मतलब 9 + 4 13, ए माइनस बी 9 - 4 तो हम लोग को मिलेगा 5, ए मल्टीप्लाई बाई बी 9 - 4 मिल जाएगा 36, ए डिवाइड बाई बी हम लोग को मिलेगा 2, और ए परसेंट बी मॉड बी हम लोग को मिल रहा है, यहाँ पे क्या गलती हुआ है, ठीक है, हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, मैं 9 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 2 8, ठीक है, 9 - 8 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। जब हम लोग परफॉर्म करते हैं 9 / 4, ठीक है, तो हम लोग को मिलता है 2, 2 कौन सी वैल्यू है, ये क्वेश्चन वाली वैल्यू है, अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, ठीक है, ठीक है, तो 9 mod 4 हम लोग जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मतलब जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो हम लोग को मिलेगा, ठीक है, आया समझ में, तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है, मॉडुलस मतलब यहाँ परसेंट हम लोग लगाएंगे तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, ठीक है, जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, जो हमारा भाग, सर,
कि आप परसेंट